तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा। मिरेकल, मिरेकल। हाँ भाई, हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ, पर माफी चाहूँगा वीडियो देर से डालने के लिए। तो चलो यार, मैं भी आ गया और आपका इंतजार भी खत्म हो गया। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय रेल का ऐसा तड़क तफड़क तक गर्मा गर्म प्रोडक्शन प्रोसेस जो आपको हैरान कर देगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उम्मीद है कि आपको भी जरूर पसंद आएगा। नंबर वन, शुरुआत करते हैं रेल की पटरियां बनाने से, क्योंकि बिना पटरियों के ये रेल के डिब्बे किस काम के? एक रेल को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ रेल की पटरियां करती है। रास्ते तो हर कोई दिखाता है, पर उसे उस मंजिल तक पहुंचाने में जो साथ देता है वही उसका पक्का दोस्त कहलाता है। अरे वाह, कहां से आते हैं मेरे दिमाग में इतने खतरनाक डायलॉग्स? तो रेलवे की पटरी बनाने के लिए सबसे पहले लोहे को 1600 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट किया जाता है। अब इस गर्मा गर्म लावा को एक कंटेनर में डालते हैं, जिसके बाद इस कंटेनर में जो लावा है वो ट्यूब के जरिए सांचे में जाता है, और ये सांचा उस लंबे रेक्टेंगुलर टुकड़े को कट कर देता है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, हाँ, इन्हीं लोहे के बॉक्स को इंग्लिश में ब्लूम कहा जाता है। और बाद में एक पावरफुल फ्लेम इन टुकड़ों को 5 मीटर में काट देता है। एक क्रेन इन्हें इंडक्शन में डालता है, जहां पर इन बॉक्स को 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, और बाद में इन्हें कन्वेयर की मदद से दूसरी मशीन तक लाया जाता है। इस मशीन में 2 रोलर लगे हैं, और इसीलिए जब यह ब्लॉक्स इस मशीन से गुजरते हैं तब वो अपने आप पहले से 4 गुना ज्यादा लंबे हो जाते हैं। अब इन पटरियों को एक बार फिर गर्म करके पटरियां बनाने वाले सांचों से गुजारा जाता है। नहीं, करीब 3 से 4 बार इन सांचों से गुजरने के बाद इन्हें पटरियों का आकार मिलता है। अब इन पटरियों को ठंडा होने के बाद स्ट्रेट करके रेल के पहियों से गुजारा जाता है। अब इन्हें एक मशीन से होकर गुजारते हैं। यह मशीन ट्रेन की पटरी को अच्छी तरह चमका देती है, जिसके बाद कुछ जगहों पर रेल की पटरी को मजदूरों की मदद से लगाया जाता है, या फिर इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें रेल की पटरियों को बिछाने का काम करती है। नंबर 2, भारत में रेलवे अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी ही अहम भूमिका निभाती है। हम जब भी रेल से सफर करते हैं, तब हम एक बार जरूर सोचते हैं, इतनी भारी भरकम रेलवे का वजन छोटे छोटे पहिए आखिर किस तरह उठा लेते हैं? रेलवे के यही मजबूत पहिए आखिर किस तरह से बनते हैं? आइए आज इस वीडियो में देख लेते हैं। पहिए बनाने के लिए सबसे पहले रिसाइकलिंग के लिए लाए गए लोहे को पिघलाकर रोल का आकार दिया जाता है। अब ये मशीन इन रोल को इस तरह एक सही आकार में काट देती है। अब इन कटे हुए हिस्सों को कन्वेयर की मदद से इंडक्शन में डाला जाता है। यह इंडक्शन बहुत गर्म होता है, और सिर्फ 20 मिनट में 15 लोहे की रॉड को गर्म करके एकदम लाल कर देता है। बाद में ये रोल कन्वेयर के जरिए दूसरे इंडक्शन तक अपनी दूरी तय करता है। ये दूसरा इंडक्शन इन्हें और भी ज्यादा गर्म कर देता है, और वहां से दूसरे मशीन पर रख देता है, जहां पर लगे 2 मैकेनिकल आर्म उसे सही जगह पर एडजस्ट कर देते हैं। और एडजस्टमेंट तो हर किसी की जिंदगी में जरूरी होती है ना। इसे एक जगह एडजस्ट होने के बाद करीब 150 क्विंटल तक वजनी एक साचा इस गर्मा गर्म लोहे की रॉड को प्रेस करता है। करीब 2 से 3 बार प्रेस करने के बाद ये रॉड रेल की पहियों की तरह दिखने लगता है, जिसके बाद एक मशीन के जरिए इन्हें सही आकार मिलता है। अब इन्हें फिर से एक बार सांचों में प्रेस करके लाया जाता है। ये सांचा पहियों के एक्स्ट्रा पार्ट को निकालता है और पहियों पर एक सेल लगाने की जगह बनाता है। एक सेंसर इसकी लंबाई और इसकी बनावट को मेजर करता है। इस सेंसर को पूरी तरह कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है। जांच पूरी होने के बाद इन्हें पानी में ठंडा किया जाता है, और बाद में स्क्रैपर मशीन इन पहियों को घिसकर चमका देता है। पहियों के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद इन्हें एक्सेल के साथ ज्वाइन किया जाता है, और बाद में इनकी कलरिंग की जाती है। फ्रेंड्स, ट्रेन की पटरी पर चलने वाले ये पहिए भले ही हमें काफी छोटे छोटे लगते होंगे, पर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि एक पहिए का वजन 500 से 700 किलो तक हो सकता है, समझ लो का। नंबर 3, रेलवे कोच मेकिंग। अब पहिए भी बन गए, पटरियां भी बन गई, पर रेल के डिब्बे ही ना हो तो ये पटरियां किस काम की? बिना डिब्बों के तो ये काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। रेलवे कोच या रेलवे के डिब्बों को बनाने की शुरुआत होती है उसकी डिजाइनिंग से, क्योंकि नक्शा ही नहीं बनाओगे तो घर कैसे बनेगा?
और फिर उसके बाद बड़े बड़े स्टील के पत्रों को एक साथ जोड़ा जाता है। वर्कर्स बाद में इन्हें वेल्ड करते हैं। इन शीट को काफी सटीकता से जोड़ा जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। डिब्बे के हर एक साइड को अलग अलग बनाया जाता है और बाद में इन सभी चीजों को वर्कशॉप में जोड़ दिया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े क्रेन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और अब बने हुए डिब्बों को पेंट हाउस में भेजा जाता है, जहां उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दिया जाता है। और दूसरी तरफ डिब्बों के नीचे के पार्ट को पहिए लगाकर ज्वाइन कर दिया जाता है और उसी के साथ ब्रेकिंग सिस्टम भी उनमें लगाया जाता है। बाद में बनाए गए रेलवे के डिब्बों को पहियों से ज्वाइन किया जाता है। बाद में इनकी फर्निशिंग और सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें ट्रेन में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से लेकर टॉयलेट तक का काम किया जाता है। अब इस बने हुए कोच को या फिर डिब्बे को रेल की पटरियों पर लाने से पहले एक बार उसकी जांच की जाती है। अब आपने देख लिया कि रेल के डिब्बे भी किस तरह से बनते हैं। अब सब कुछ बन ही गया है, पर बिना इंजन के ये सब किस काम का? क्योंकि रेलवे तो सफर करने के लिए होती है ना। पर रेलवे के इंजन को बनाने की गर्मा गर्म रेसिपी दिखाने से पहले ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द फ्लाइस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं रेलवे के लोकोमोटिव यानी रेलवे के इंजन बनाने के प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए रेलवे की बॉडी को कंप्यूटर की मदद से डिजाइन किया जाता है। अलग अलग तरह की ट्रेन में अलग अलग तरह के इंजन का उपयोग किया जाता है। इंजन के बॉडी में गियर बॉक्स, सिलेंडर और अन्य इंजन के पार्ट को असेंबल किया जाता है। जिस तरह रेलवे का इंजन काफी ताकतवर होता है, बस उसी तरह इंजन के पार्ट भी काफी भारी भरकम होते हैं, जिसे उठाने के लिए क्रेन तक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसे पिस्टन कहते हैं और रेलवे इंजन के एक पिस्टन का वजन करीब 500 से 800 किलो तक हो सकता है। इंजन की असेंबलिंग कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर अल्स्टोम टर्बो चार्जर को लगाया जाता है, जो इंजन को शुरू रखने में मदद करता है। ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है जिस तरह हमारी कार या फिर हमारी बाइक के स्पार्किंग प्लग्स काम करते हैं। अब इंजन की असेंबलिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरी तरफ इंजन की कॉइल को ट्रेन की सर्किटरी पर लगाया जाता है। इंजन पूरी तरह से तैयार होने के बाद इसकी जांच की जाती है और ये पूरा काम कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। अब दूसरी तरफ ट्रेन की ट्रैक्शन मोटर को बनाया जाता है, जिसके लिए मोटर की बॉडी को बनाते हैं और बाद में कॉपर के कॉइल की वाइंडिंग की जाती है। अलग अलग मोटर अलग अलग तरह की होती है और यही वजह है कि हर एक मोटर के अलग अलग लंबाई और अलग अलग चौड़ाई के रोटर बनते हैं, जिसके बाद इन सभी पार्ट को असेंबल किया जाता है। ट्रेन की ये ट्रैक्शन मोटर 400 से लेकर 1200 हॉर्स पावर तक ताकतवर होती है। ये मोटर इंजन के चारों एक्सेल पर लगी होती है, जिससे ट्रेन को हाई ट्रैक्शन पावर मिलती है। ट्रैक्शन मोटर को इस वीडियो में देखने के बाद तो मुझे भी अपने जिंदगी के एकदम मजे आ गए। तो दोस्तों, मैंने भी सोचा कि आप लोग भी कुछ देर वीडियो देखोगे तो क्या पता आपको भी अपनी जिंदगी के मजे आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे देश की रेलवे बनकर तैयार होती है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये तड़कती फड़कती वीडियो के पूरे मजे आ गए होंगे, और अगर मजे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना यार, दिल से अच्छा लगता है आप लोगों के लाइक्स देखकर। अब दीजिए मुझे इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय, टेक केयर।